देखिए हरियाणा की बात हमने की, अब बात यूपी की राजनीति की कर लेते हैं। और देखिए यूपी में हार की समीक्षा का दौर जारी है लगातार। अब समीक्षा उस सीट की हो रही है जिस पर हार की उम्मीद ना तो बीजेपी को थी और ना ही सियासत के जानकारों को। अयोध्या जैसे फैजाबाद लोकसभा सीट में वो आता है, उस फैजाबाद में बीजेपी हार गई। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हार के कारणों की तलाश में जुटे हुए हैं और अयोध्या के गुनहगार खोज रहे हैं। भगवान राम की धरती अयोध्या इस पूरे लोकसभा चुनाव के केंद्र में रही। बीजेपी रामलहर के सहारे यूपी में जीत की स्क्रिप्ट लिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पार्टी अयोध्या में ही हार गई। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है। अयोध्या में जो हार मिली है उसने न सिर्फ बीजेपी को बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। अब बीजेपी इस हार की समीक्षा कर रही है और अयोध्या में इसकी तह में जाकर के बीजेपी ये जानना चाहती है कि जिस अयोध्या से देश जीतने की उम्मीद थी, आखिरकार बीजेपी उसी अयोध्या में कैसे हार गई। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह उम्मीदवार थे, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी से था। अवधेश पासी को 5,54,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट, करीब 54,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हार गई। हार की समीक्षा के लिए बीजेपी ने अलग अलग टीमें बनाई जो बारीक से बारीक जानकारी जुटाकर रिपोर्ट बनाने में जुटी। फैजाबाद लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनमें से 4 सीटों पर चुनाव जीती थी, जबकि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे। इस बार लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों का विधानसभा वाइज विश्लेषण करें तो अयोध्या ही एकमात्र विधानसभा सीट रही जहां बीजेपी को बढ़त मिली। बाकी 4 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई और चुनाव हार गई। अयोध्या में बीजेपी को 1,04,671 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,04,000 वोट। मतलब ये कि जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ वहां से तो बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन बाकी जो लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके थे वहाँ पार्टी पिछड़ गई, जिसकी वजह से ये सीट हार गई। बड़ी बात ये रही कि साल 2019 में बीजेपी के लल्लू सिंह को जितने वोट मिले थे, इस बार उतने वोट भी नहीं मिले। जो अभी तक बातें सामने आ रही उसमें जाति गोलबंदी और समन्वय की कमी बड़ी वजह बनकर के उभरी है और जल्दी ही पूरी रिपोर्ट सामने आ सकती है। तो अब इस हार पर समीक्षा की जा रही है और ये खंगाला जा रहा है कि आखिर इसकी वजह रही क्या। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, पार्टी ने अब तक हार की जो समीक्षा की है उसमें क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं और जो मिला है उससे निपटने की क्या प्लानिंग है पार्टी की? श्रीन, देखिए जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही, चूँकि अभी समीक्षा चल रही है, 25 जून तक रिपोर्ट आने की संभावना है, मगर जो अभी तक फीडबैक के आधार पर मालूम पड़ रहा है वो जो इंटरनल कोऑपरेशन होता है, जो संगठन का कार्यकर्ताओं का सहयोग होता है वो नदारद दिखा है। और उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और जो संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी सुनवाई ना होने से उनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था, निराश था, उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक बड़ी वजह ये है और दूसरी बड़ी वजह टिकट को लेकर के भी आई है। लल्लू सिंह का काफ़ी आंतरिक विरोध था, उसको दरकिनार करते हुए भी लल्लू सिंह को टिकट दिया गया, ये भी एक बड़ी वजह है। और इन सब के साथ में जो जाति गोलबंदी हुई, जो शुरू हुई पश्चिम से, जो क्षत्रियों की पंचायत के बाद शुरू हुई और होते होते पूरब तक उसका असर गया, इसलिए ये भी बात सामने आई है कि एक पैटर्न में पश्चिम से पूरब तक लगातार एक पैटर्न में बीजेपी के वोट कम होते गए हैं और जाति गोलबंदी उसकी एक बड़ी वजह बनकर के उभरी है। शिरीन, बिल्कुल, और इसी पर मंथन विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। ठीक है, आप इस पर नजर रखिएगा अभिषेक। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।